हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीना लिंगम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो आज हम आए हैं पराठे खाने। वैसे हमें पराठे तो रेगुलर बेसिस पे घर पे मिल ही जाता है, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा चेंज किया जाए और हम आए हैं पीसे पराठा। यहाँ आने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप गैमन मॉल आ जाइए, उसके अपोजिट में आपको पीसे पराठा मिल जाएगा। तो इसी बहाने आज हम ये भी चेक करेंगे कि अभी भी कैफ़े सारे ओपन हो गए, तो हम ये देखेंगे कि अभी भी सारे कैफ़े में सेफ्टी है कि नहीं है पूरी तरीके से। तो चलिए अंदर चलते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोनित कुमार जैन है। सब जैसे पराठे है, तो आपके मतलब आइडिया कहाँ से आया कि हम ये ऐसा पराठे से रिलेटेड कोई आउटलेट ओपन करता है? ओके, सो बेसिकली ये आइडिया जो था वो 3 साल पहले आ चुका था। मैं जब जॉब करता था तो आई थॉट कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो सिर्फ एक फूड ओरिएंटेड हो, मतलब एक स्पेसिफिक फूड होना चाहिए और उसी से ओरिएंटेड आउटलेट होना चाहिए। और मैं जब जॉब करता था मेरा एक टाइम का मील फिक्स था कि मैं पराठा ही खाता था, आइदर डिनर और आइदर लंच। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे पराठे ट्राई करे, मैं पुणे में जॉब करता था। देन मैंने सोचा कि अब ठीक है, अब जॉब छोड़ के होम टाउन आना चाहिए और एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहिए जो सिर्फ पराठे से रिलेटेड, सिर्फ पराठे से। तो उसी को मैं कंसेप्ट को लेके आया और फिर यहाँ पे जितने भी वैरायटी ऑफ पराठा थे वो सारे ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुका था मैं, या फिर कुछ यहाँ पे बनवा के टेस्ट करे, इनोवेट करे और फिर उसी से रिलेटेड फिर पराठे का आउटलेट ओपन करें। तो जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है तो सर काफ़ी क्राउड तो खैर कम हो ही गया, तो मतलब उस बेसिस पे अभी भी कितना प्रॉब्लमेटिक है ये सिचुएशन आपके आउटलेट के रिलेटेड? अभी क्या है कि ये स्पेस बहुत बहुत कम्पैक्ट है, कोजी, मतलब थोड़ा स्पेस थोड़ा कम है, तो जब यहाँ पे भीड़ होती है तो इवन हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि कस्टमर्स को बोलना पड़ता है कि यू हैव टू स्टे अवे या डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। हमने भी यहाँ पे क्या करा कि सिटिंग स्पेस कम कर दिया है, पीछे के ऑर्डर्स भी हम थोड़ा आगे से जाके लेते हैं, सिर्फ यही स्पेस रह रहा है सिटिंग के लिए। प्रॉपर हैंड वॉश करके रखा है कुक्स के लिए और जो हमारे हेल्पर्स हैं उनके लिए हैं, आपके हैंड ग्लव्स हैं, मास्क हैं, शील्ड्स हैं, ये प्रिकॉशन अपनी तरफ से ले रहे हैं। बाकी कस्टमर्स परस्पेक्टिव से ये है कि वो मास्क पहन के आए बस, बाकी हैंड वॉश की सुविधा यहाँ पे है, इवन आप सैनिटाइजर नहीं भी लाते हैं तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा प्रिकॉशंस आपको पूरे मिलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि प्रिकॉशंस है कि नहीं है। और सर जैसे कि हम मतलब कौन कौन से पराठे डिफरेंट है, जैसे अभी मतलब आपने अभी वो किए हो बनाए हो? सो अभी हमने बेसिकली लॉन्च जो करने वाले हैं हम पराठे, उसमें एक बीटरूट पराठा करके आएगा जो पूरा एक मतलब एक हेल्दी कंसेप्ट ही है वो, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो चुकंदर होता है जी, उसी के उससे एक आटा लगाया जाता है और उसी से पूरा पराठा बनता है। तो उसमें कुछ भी मतलब जो रंग आता है वो पूरा नेचुरल रहता है। सर जैसा मैंने अभी मेन्यू में देखा अभी चॉकलेट पराठा भी है, मतलब तो वो पूरा चॉकलेट अंदर फिलिंग है उसकी पूरी। तो जो पराठे का एक्चुअली कंसेप्ट ही है कि कुछ भी ऊपर नहीं रहेगा, जो कुछ रहेगा सब स्टफिंग में रहेगा। तो आप चॉकलेट पराठा बोलें, रबड़ी पराठा बोलें, कुछ भी, वो सब कुछ फिलिंग के अंदर आएगा। तो चॉकलेट इसलिए लेके आ रही होगी, कुछ बच्चे आते थे हमारे पास जो पराठे के लिए अट्रैक्ट नहीं होते थे, तो उनके लिए हम चॉकलेट पराठा लेके आए ताकि वो थोड़ा अट्रैक्ट हो, और वो बेसिकली हुए। उन्हीं के लिए मैगी पराठा आया, फिर उन्हीं के लिए पिज़्ज़ा पराठा आया, तो इवन कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं पेरेंट्स के साथ जो अपने आते हैं वो भी पराठा ट्राई करते हैं। तो ये आउटलेट काफ़ी किड्स फ्रेंडली भी है, आपको मतलब बेसिकली उनको अट्रैक्ट भी हो जाएंगे बिल्कुल एक तरीके से। और सर मतलब ऐसे रेंज क्या रहेगी कि मतलब पराठे? सो ये भी एक उसी तरीके से बोला था यार कि ये एक प्राइस रेंज में रहे, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट एरिया बहुत है, मेरिट का क्राउड यहाँ मोस्टली रहता है, गांधी मेडिकल कॉलेज का रहता है बहुत, बेसिकली भोपाल में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तो स्टूडेंट क्राउड है यहाँ पे, तो उस हिसाब से प्राइस रेंज हमने वैसे ही रखा है। 50 रुपीज़ से एक पराठा स्टार्टेड है और मैक्सिमम पराठा 160 रुपीज़ का है। और कोई अगर जैसे अपना मील करना चाहे तो वो एक 80 रुपीज़ का पराठा है, आलू का पराठा, मतलब दो साइज़ का पराठे हैं, तो 50 और 80 दो प्राइस में है, तो 80 रुपीज़ के एक पराठे में उसका आराम से पेट भर सकता है, उसको उसके ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जो सिर्फ पराठे खा के अपना लंच या डिनर कर लेते हैं। पराठा सर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को फुलफिल कर सकता है बिल्कुल। से पराठे के जो स्पाइसेस होते हैं वो आप मतलब पराठे में रेडीमेड यूज़ करते हैं कि मतलब जो होम में हम बिल्कुल बनाते हैं उस तरीके से इसके यूज़ होते हैं? जैसे कुछ कुछ मसाले हैं जो हमें रेडीमेड ही लेने पड़ते हैं, जैसे मिर्ची हुई, वो रेडीमेड से आती है, बट एक एक मसाला हमारा स्पेसिफिक है जो हम खुद से बनाते हैं, वो सीक्रेट है। करेक्ट, वो सीक्रेट ही कह सकते हैं आप। और दूसरे जो स्पाइसेस जैसे ठेचा पराठा है, तो वो ठेचा हम लोग खुद से नहीं बना सकते, तो वो हमें महाराष्ट्र से लाना पड़ता है। तो स्पेसिफिकली हम जैसे स्टेट वाइज भी कुछ कुछ पराठे हमने बना के रखे, जैसे अमृतसरी पराठा, तो वहाँ से कुछ स्पाइसेस तो नहीं आते बट हम उसकी ग्रेवी खुद से बनाते हैं, तो हमें काफ़ी मतलब वैरायटी के साथ उसका ऑथेंटिक टेस्ट भी मिलता है। करेक्ट करेक्ट, आपको मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठेचा पराठे सबसे स्पाइसी पराठा है हमारा और इवन लोग उसको खा के बहुत ज़्यादा मतलब
उन्हें कुछ ना कुछ पीने के लिए चाहिए पड़ता है उसके बाद। और सर आज मतलब अगर हम आए हैं और या अगर कोई और आएगा तो आप कौन सा हमें रिकमेंड करेंगे कि आज हमें वो ट्राई करना चाहिए पराठा? बेसिकली अगर चीज़ में कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको या तो इटालियन चीज़ या पिज़्ज़ा पराठा। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप पिज़्ज़ा पराठा ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहेंगे तो सेकेंडली आपको डिफरेंट थोड़ा चाहिए तो आप मैगी पराठा ट्राई कर सकते हैं। वो थोड़ा चिल्ड्रन ओरिएंटेड हो जाएगा तो आपको उसका टेस्ट भी मिलेगा। और एक अभी हम जो न्यूली लॉन्च करने वाले हैं जैसे पिज़्ज़ा होते हैं सिंपली चीज़ पिज़्ज़ा, तो वैसे ही हम सिंपली चीज़ पराठास करने वाले हैं, तो उसका भी एक स्मॉल एज अ टेस्ट आप कर सकते हैं। वो एक स्मॉल साइज़ में बनेगा, उसमें सिर्फ चीज़ रहेगा और उसके ऊपर की जो फिलिंग्स रहेंगी उसके अंदर जो फिलिंग्स रहेंगी वो आप चूज़ कर सकते हैं, एज अ कैप्सिकम अनियन जो भी आपको कराना हो जैसे आप पिज़्ज़ा में चूज़ करते हैं। वैसा ही कंसेप्ट है, बट सब कुछ फिलिंग के अंदर आएगा। और सर पिज़्ज़ा के अलावा भी और कुछ चीज़ें आपके मेन्यू में ऐसा डिफरेंट क्या क्या है? स्पाइसेस के ऊपर जाएंगे तो आप ठेचा पराठा ट्राई कर सकते हैं। वो महाराष्ट्र का ऑथेंटिक ठेचा जो होता है जो मिर्ची की चटनियों का बनता है, मिर्ची से चटनियाँ बनती है, उसका टेस्ट आएगा आपको। आप चाहें तो पेशावरी ट्राई कर सकते हैं, वो भी चीज़ के बेसिस पे ही है। उसके अलावा हरा भरा ट्राई कर सकते हैं। हरा भरा में क्या होता है कि जो एक एल्डरली पर्सन आता है हमारे पास वो चीज़ ट्राई नहीं करना चाहता, तो उसको एक हरा भरा पराठा हम खिलाते हैं जो कि सारी हरी सब्जियों से बनता है, मेथी मटर पुदीना, जो हरा भरा कबाब होता है एक्चुअली, तो वही टेस्ट आपको पराठे में आएगा। तो ये उसके बेसिस पे। उसके अलावा आप चाहें तो इंदौरी पराठा कर सकते हैं जो रतलामी सेव से बनता है, तो बेसिकली सेव पराठा होता है तो उसका नाम हमने इंदौरी पराठा रखा है। बहुत वैरायटी मिलने वाली है। और सर ड्रिंक्स वगैरह मेन्यू? ड्रिंक्स एक्चुअली बेसिक रखी है जो कॉमनली जाती है पराठे के साथ, या तो लस्सी जाती है या बटर मिल्क जाता है, तो ये कॉमन है। उसके अलावा थोड़ा हमने अभी ट्राई करा है कि लेमनेड हुआ आपका, फ्रेश लाइम सोडा हुआ, या फिर कोल्ड कॉफ़ी हुआ, ये भी थोड़ा अभी स्टार्ट करा है, बट बेसिकली हमारा लस्सी और बटर मिल्क पे ही रहता है। तो आप देख ही रहे कि हमारे पास वैरायटी भी बहुत है, ड्रिंक्स भी बहुत है, तो अब हम ऑर्डर ही कर लेते हैं। आज हमने तीन पराठे ऑर्डर किए हैं। पहला वाला है हमारा मैगी पराठा, और दूसरा है पिज़्ज़ा पराठा, और ये तीसरा है हमारा चीज़ पराठा। सो अभी हम शुरू कर लेते हैं मैगी पराठा से, और इसके मैं आपको इसकी बेस्ट बात बताती हूँ। ये हमको बेसिकली वो लीफ प्लेट नहीं होती है पत्तल वाली जो अपन बोलते हैं, हमको उसमें मिलता है। तो ऐसे आपको बहुत मुश्किल से रेयर रेस्टोरेंट या कैफेज में मिलेगा कि आपको कहीं पर ऐसे लीव्स प्लेट्स या लीव्स बाउल्स में ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और इसके साथ हमें पराठे के साथ हमें मिला है ग्रीन चटनी, दही है ये हमारा नॉर्मल दही, और ये मीठा वो मीठी चटनी जो आती है उस टाइप की चटनी है। और ये देखिए मैं आपको इसकी फिलिंग दिखाती हूँ। वेट ये देखो आप, मैगी पराठा पूरा मैगी है। चलो उसे ट्राई कर लेते हैं। ये रहा मैगी पराठा दही के साथ, मैं नहीं ट्राई करने वाली इसको नॉर्मली। वैसे तो ये नॉर्मल मैगी जैसा आप खाते हो ना, वैसे टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अपन को पूरा मैगी का एक फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास ये पिज़्ज़ा पराठा, मैं आपको इसकी फिलिंग दिखाती हूँ। इसकी फिलिंग में जैसा आप देख रहे हो कॉर्न है, कैप्सिकम है, और ये पूरा चीज़ है, तो आपको फुली चीज़ की पूरी फिलिंग मिल जाती है आपको इसके साथ। चलो इसको भी अब हम ट्राई कर लेते हैं। ये हमारा बाइट, ये वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि हमें पूरा चीज़ फिलिंग मिल जाता है इसके अंदर। पूरा एक पिज़्ज़ा का जो फील होता है ना, बिल्कुल वो है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है ये हमारा चीज़ पराठा, पूरा इसमें चीज़, ये देखिए आप इसमें चीज़ है, कौन, ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर है लेकिन ये वाइट में है। तो अब हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए इसके, वैसे मैं आपको बता दूँ नाम से ही जब इसका चीज़ है तो चीज़ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। आपको जब बोलते हैं जिसको चीज़ पसंद होता है उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें चीज़ की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा थिक अमाउंट में है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मान लीजिए आपका पराठा फिनिश करते करते दही फिनिश हो गया, बचा ही नहीं है, तो आप शर्माना मत, अंदर जाना और भैया से ले लेना, वो दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जब तक हम इसे फिनिश करके आते हैं फिर हम आते हैं थोड़ी। सो हमने तीन पराठे ऑर्डर किए थे, उसमें से हमारा पहला पराठा था मैगी पराठा जो हमको 120 रुपीस का पड़ा था, दूसरा था हमारा पिज़्ज़ा पराठा जो हमको 160 रुपीस का पड़ा था, और द थर्ड वाला जो पराठा था चीज़ पराठा वो हमको 120 रुपीस का पड़ा था। तो टोटल हमको पड़ा था 400 रुपीस। वैसे अगर आप देखना चाहें तो
ये काफ़ी वर्थ था क्योंकि इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। तो अगर देखेंगे तो हम एक पराठा या आप एक पर पर्सन देखेंगे तो एक पराठे से भी आप सफिशिएंट, आपका टमी पूरा फुल हो जाएगा। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें। और अगर आपको अभी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवर चैनल। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप शेयर कीजिए इस वीडियो को और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा।